बिलीव मी, इंडिया के अंदर हॉटस्टार के बाद अब बाकी OTTs का भी नंबर आ गया है। सो हाय एवरीवन, वेलकम टू सिनेमा लाइव 33। तो आज की ये वीडियो एकदम जबरदस्त वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं किस तरीके से हॉटस्टार से सारे का सारा HBO कंटेंट छीनने के बाद जियो अब तैयार है इंडिया के अंदर बाकी OTT प्लेटफॉर्म्स की बैंड बजाने के लिए। जियो ने फिर से एक और कमाल की डील करी है, तो वो डील क्या है और किस तरीके से उसका जो इम्पैक्ट है इंडिया के अंदर बाकी OTT प्लेटफॉर्म्स में पड़ने वाला है, और सबसे इम्पोर्टेंट इंडियन ऑडियंस को उससे क्या फर्क पड़ने वाला है, आज की इस वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर आप लोगों को जानना है तो आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को एंड तक देखें। तो इस वीडियो को और देर ना करते हुए चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करते देखो, मैं जिस डील की बात कर रहा हूँ वो हुई है बिटवीन जियो सिनेमा एंड अ वेरी पॉपुलर स्टूडियो NBC स्टूडियोज, जिसके अंडर लिटरली इतने सारे स्टूडियोज आते हैं। एग्जाम्पल के लिए यूनिवर्सल पिक्चर्स, यूनिवर्सल टेलीविजन, स्काई स्टूडियो, साथ में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे पीकॉक, और आपको देखने को मिलेगा ड्रीम वर्क एनिमेशन, इसके साथ में आपको देखने को मिलेगा फोकस फीचर्स, और आपको देखने को मिलेगा ब्रेवो। और अगर आप लोगों को इन स्टूडियोज के बारे में फिर भी इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कौन सी पॉपुलर मूवीज हैं, कौन से पॉपुलर शोज जो इन लोगों ने क्रिएट किए हैं, जस्ट आप उनके नाम सुनो। पहले फ्रेंड्स, ऑफिस, डाउनटाउन एबी, पार्क एंड रिक्रिएशन, पूरी की पूरी फास्ट फ्रेंचाइजी, साथ में आपको द मम्मी फ्रेंचाइजी, साथ में आपको देखने को मिलने वाली है द बॉर्न फ्रेंचाइजी एंड मच मोर। और इस डील के बारे में जो दो कमाल की बातें होने वाली हैं, जो कि बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करेंगी। पहला कि ये जो है एक मल्टी एडिटोरियल, जिसका मतलब है कि इन स्टूडियोज के अंदर जितनी मूवीज अभी तक बन चुकी हैं और साथ में जितनी भी आगे बनेंगी, वो सारी की सारी आपको जियो सिनेमा के ऊपर स्ट्रीम होती हुई दिखेगी। और दूसरी कमाल की बात जो है वो ये कि ये एक एक्सक्लूसिव डील होने वाली, जिसका मतलब है कि जितना भी कंटेंट इन स्टूडियोज ने क्रिएट किया वो आपको सिर्फ और सिर्फ जो है वो जियो सिनेमा के ऐप पे देखने को मिलेगा। जिसका मतलब क्या है कि फॉर एग्जाम्पल आपको द ऑफिस जो है वो इस समय देखने को मिलता है नेटफ्लिक्स के ऊपर और अमेजोन प्राइम के ऊपर, तो वो वहां से हटा दिया जाएगा जब ये यहाँ पे स्ट्रीम होना स्टार्ट होगा। और इस डील से लिटरली असली इम्पैक्ट अब शुरू होता है, जब यहाँ पे आपको एक्चुअली कंटेंट वहां से हटके यहाँ पे स्ट्रीम होता दिखेगा। क्योंकि HBO का जो कंटेंट है वो पहले ही एक्वायर कर लिया, उसकी डबिंग की बात चल रही है कि इसको हिंदी डब में रिलीज करेंगे, साथ में एक कमाल का स्टूडियो जिसके साथ अभी डील करी है, वो भी एक मल्टी ईयर की डील, उससे सारा कॉन्टेंट एक्वायर कर लिया कि वी विल बी द एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर अमंग द इंडिया। और ये फैक्ट है कि जिस इंडस्ट्री के अंदर मोटा भाई उतरते हैं वहां पे उनकी मोनोपोली चलती है, तो यहाँ पर पूरी तरीके से आपको उनकी एक मोनोपोली होती हुई दिख रही है। हॉटस्टार को साफ कर दिया, लाइक लिटरली साफ कर दिया, नेटफ्लिक्स को पीछे पड़े हुए हैं, कर लो क्या करोगे, जलवा है हमारा। जिसके चक्कर में अमेजोन ने MX प्लेयर तक खरीद लिया। सवाल अब ये निकलता है कि ये डील आपको कब तक होती हुई दिखने वाली, कब तक इम्प्लीमेंट होती हुई दिखने वाली है, तो उसका आंसर रहेगा कि ये आपको जून एंड तक, बेसिकली मिड जून के बाद ही आपको ये देखने को मिलने वाली है। तो अब बात करते हैं किस तरीके से बाकी OTT से इम्पैक्ट होने वाले हैं और किस तरीके से वो लोग हल्का सा ओवरकम कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखो हॉटस्टार ने क्या किया, हॉटस्टार के पास वर्ल्ड कप के राइट्स हैं पूरी तरीके से, जो अभी अक्टूबर में होने वाला है, साथ में WTC उनके अंडर है, और भी बहुत तरीके के आपके प्रीमियर लीग्स हैं, सब कुछ हॉटस्टार के अंदर है। इसके साथ में हॉटस्टार ने काफी हद तक अपने रीजनल कंटेंट के ऊपर काम करना शुरू कर दिया है, हॉटस्टार स्पेशल्स के ऊपर काम करना शुरू कर दिया है, तो आई बिलीव दे विल सर्वाइव बिकॉज दे हैव लॉट ऑफ कॉन्टेंट टू स्ट्रीम। तो बात करें नेटफ्लिक्स के बारे में, नेटफ्लिक्स बहुत टाइम से शांत बैठा है, क्योंकि नेटफ्लिक्स के पास अपने बहुत सारे ओरिजिनल्स हैं, साथ में बहुत सारी मूवीज और शोज की डील वो करता रहता है, जिससे कम से कम उसका जो कंटेंट है वो भरा रहता है पूरी तरीके से। लेकिन अगर वो कंटेंट थोड़ा बहुत करके निकलेगा, तो उसको ओवरकम करने का सबसे बेस्ट तरीका जो मुझे लगता है वो ये कि उनको स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना चाहिए, और किसी तरीके से जो स्पोर्ट्स है इंडिया के अंदर क्रिकेट के राइट्स खरीदने चाहिए। लेकिन जरूरी नहीं है कि सिर्फ क्रिकेट के राइट्स खरीदो, स्पोर्ट्स को आप अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर ला सकते हो, उसको लाइव स्ट्रीम कर सकते हो। इससे होगा क्या कि नेटफ्लिक्स के पास अपना कंटेंट है, उनके पास अगर स्पोर्ट्स भी आ जाए तो लिटरली इट विल इंक्रीज टू मच कॉम्पिटिशन अमंग ऑल द OTT प्लेटफॉर्म्स एंड बिलीव मी इट विल बी फन।
तो अब बात करते देखो इस पूरी डील से ऑडियंस के ऊपर क्या फर्क पड़ना है। सबसे पहले देखो ऑडियंस को क्या फायदा होगा कि ऑडियंस को कंटेंट तो मिलेगा, लेकिन अगर मान लो एक ऐसा आपका प्लेटफॉर्म है जो इस बात का दावा करता है कि वो हिंदी में लेके आएगा, जिसकी डिमांड ऑडियंस बहुत टाइम से कर रही है, तो ऑडियंस डेफिनेटली उससे रिलेट करेगी। और अगर उसका प्लान हल्का सा महंगा भी हुआ और लेकिन कंटेंट आपको हिंदी में देखने को मिल रहा है, अच्छी क्वालिटी में देखने को मिल रहा है, तो ऑडियंस सब्सक्राइब करेगी। इसके साथ में ऑडियंस जो है इस बात को लेकर भी बड़ी कंफ्यूज रहती है कि उनको ये कंटेंट नेटफ्लिक्स पे देखने को मिलेगा, फिर ये वाला कंटेंट उनको हॉटस्टार पे देखने को मिलेगा। लेकिन अगर जियो ऐसा काम कर रहा है कि वो सारे के सारे कंटेंट को मर्ज कर रहा है और एक जगह पे लेके आ रहा है, वो भी एक ऐसे प्लान में जिसको आप अफोर्ड कर सकते हो और आपको बाकी प्लान्स की जरूरत नहीं है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि नेटफ्लिक्स प्लान नहीं लेना है, बट इट विल डेफिनेटली हेल्प देम टू यूज इट, कंज्यूम इट, यू कैन से इफ दे आर गेटिंग इट ऑल एट वन प्लेस, इट विल डेफिनेटली हेल्प देम। तो इन द एंड देखो मैं इतना बोलूंगा कि इस डील से और किसी भी और डील से ऑडियंस को डेफिनेटली फायदा ही होने वाला है, क्योंकि उनको ज्यादा कंटेंट देखने को मिलेगा, क्वालिटी कंटेंट देखने को मिलेगा, और साथ में बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे कि आपको वो कंटेंट हिंदी में देखने को मिल जाए। एज एन ऑडियंस, एज अ फैन, हमें और क्या चाहिए, हमें कमाल का कंटेंट वो भी अपनी भाषा में देखने को मिले, दैट्स इट। हाँ, और साथ में थोड़ा सा प्राइस कम हो तो वो और अच्छा है। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी अबाउट द डील बिटवीन जियो स्टूडियोज एंड एनबीसी पिक्चर्स। आप लोगों को क्या लगता है कि इस डील से क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है और किस तरीके से आगे जाके जियो की मोनोपोली होने वाली है कि नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो छोटा सा लाइक कर दो और ऐसी वीडियोस को देखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं ऐसी वीडियोस को लाता रहता हूं। तो मैं आप लोगों से मिलूंगा एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, लव यू एंड टेक केयर एंड कीप वॉचिंग सिनेमा लाइव 33।